हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेकार पड़े चावल गेहूं के खाली बोरे कट्टों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसको नीचे से कट कर लेंगे और साइड में से भी इसको कट कर लेंगे और इसमें से हम उतना ही पीस कट करके निकाल लेंगे जितना हमें चाहिए। ये मैंने 19x22 इंच का पीस कट कर लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको पूरे को पिनअप कर लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट कर देंगे। दूसरी साइड भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें ये 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर देंगे इधर। अब यहाँ कॉर्नर पर गोलाई देंगे हल्की सी 1/4 इंच की और इसको हम कट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये पीस कट करके निकाला है मैंने। दूसरी साइड भी हम सेम इसी प्रकार से कटिंग करेंगे। अब हमें सेम साइज का एक पीस चाहिए कपड़े का, उसके ऊपर हम इसको इस प्रकार रखेंगे और पूरे को पिनअप कर लेंगे और फिर साइड में हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, मैंने पूरे को सिलाई लगा के अटैच कर लिया है कपड़ा। अब इस कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे साइड वाले को। साइड में से ये कपड़ा कट करके निकालेंगे तो हमारे पास ये 4 पीस कट हो जाएंगे। इनका भी हम यूज करेंगे हैंडल बनाने में। अब इसको साइड में रखेंगे, जो 4 पीस कट किए थे उनको आपस में ऐसे जोड़ लेंगे दो दो पीस। तो ये देखिए, मैंने इनको इस प्रकार से ज्वाइंट कर लिया है। अब उल्टी साइड इनके ऊपर कर लेंगे और इनके अंदर हम कट्टे का छोटा सा पीस रखेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे इसको और हैंडल तैयार कर लेंगे हम। इस प्रकार से 2 हैंडल हमने देखे तैयार कर लिए हैं। एक ये मैंने इस प्रकार की देखिए एक सीट तैयार की है जिसकी लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। बीच में से देखिए मैंने इस प्रकार से 2 सिलाई लगा रखी है, चारों तरफ भी सिलाई लगा रखी है। बीच सेंटर में से इसको कट कर लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। अब हम चेन लेंगे और चेन को उल्टा रख देंगे इसके ऊपर और सिलाई लगा देंगे। अब इसको सीधा करेंगे, इसके ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे। अब इसको हम सीधा रखेंगे, इसके ऊपर दूसरा पार्ट भी हम ऐसे रख के सील देंगे और सीधा करके उसके ऊपर टॉप स्टिच कर लेंगे। अब इसके अंदर हम जिप डाल देंगे इस प्रकार से। अब मेन पार्ट को लेंगे और सीधी साइड देखिए हम इस प्रकार से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर भी टॉप स्टिच कर देंगे। कुछ भी अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसको हम कट करके निकाल देंगे इस प्रकार। अब इसको सीधा करेंगे और दूसरी साइड भी हम इसको ऐसे रख के इसको सील देंगे। इसके ऊपर भी टॉप स्टिच कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से सेंटर पार्ट में से इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और 2.5 इंच पे मार्क यहाँ पर इस प्रकार से हम कट लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से 2.5 इंच पे कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें हैंडल ज्वाइंट करने हैं तो उसके लिए हमने मार्क कर लिया है। अब ये दोनों हैंडल यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे और इनको सील लेंगे। देखिए, इसको इस प्रकार से सीलेंगे, अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे रख के सील देंगे और फिर दूसरे को ऐसे लेकर आएंगे, इसको भी यहाँ पर ऐसे करके सील देंगे। अब हैंडल एक साइड तो मैंने लगा दिया, दूसरी साइड भी इसी प्रकार से लगाएंगे। अब इस कॉर्नर से यहाँ से उठाएंगे इसको और ऐसे लेकर आएंगे, इसको यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जब हम कॉर्नर पर लेकर आएंगे तो बहुत ही ध्यान से हम दोनों साइड से खींचेंगे नहीं कपड़े को,
आराम से हल्के हाथ से यहाँ कॉर्नर पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे, हैंडल को अंदर करेंगे और कॉर्नर में से पकड़ेंगे और सिलना शुरू करेंगे यहाँ से। और पूरे राउंड में उसी प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे इसमें भी। अब इसके ऊपर हम कपड़ा लगा के इसके ऊपर फिनिशिंग दे देंगे, सीधा कर लेंगे इसको। तो देखिए इस प्रकार से खूबसूरत सा बैग बनकर तैयार हो जाता है। आप इसको टिफिन के लिए, शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, यूजफुल चीज़ बनकर तैयार हो गई। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।